लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, है रे लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, जौने टिकसुआ से पिया मोरे जैयन, जौने टिकसुआ से पिया मोरे जैयन, ऐबर से पनिया टिकस गली जाए रे, ऐबर से पनिया टिकस गली जाए रे। कमाल है यार, कोई लेने आया ही नहीं, टैक्सी स्टैंड पर कोई टैक्सी भी नहीं है। हाँ सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं लेट हो गया। भाभी चल अरे नहीं, क्या कर रहे हो? दिल्ली की मॉडल है तेरी भाभी? ये क्या कनपुरिया स्टाइल में पैर छूके उनकी उम्र बढ़ा रहे हो? और छोटे कैसा है तू? ठीक हूं। आ जाओ आ जाओ, सब चलो सब बैठो। है रे लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, है रे लिया बैरन पिया का लिए जाए रे, जौने टिकसवा से पिया मोरे जैयन, जौने टिकसवा। और घर में माँ बाबूजी और अम्मा कैसे हैं? एकदम चकाचक भैया, आप लोगों के आने के नाम से बहुत खुश है घर में सब। तुम्हारी माँ हमेशा यही गाना गाती थी ना? हाँ, पहले वो फोक सिंगर थी, यही कानपुर के पास अमोली में। हाँ पता है, तुम्हारे माँ का मायका भी यही है ना, तभी तो तुमने मुझसे शादी की, ताकि अपने माँ के मायके को अपना ससुराल बना सको। क्यों? ए, अरे कौन है तुम? ए, कौन है तुम? संतोष अपनी पत्नी शगुफ्ता और बेटे कबीर के साथ कानपुर आया हुआ था अपने घर अपने परिवार वालों से मिलने। सबका मन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन उन सबकी खुशियां एक अंधेरे सपने में तब्दील हो गईं जब रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों ने उन सब पर हमला कर दिया और शगुफ्ता को अपने साथ लेकर चले गए। क्या इस हमले के पीछे वहां के लोकल गुंडों का हाथ था, या फिर यह हमला एक सोची समझी साजिश थी? ऐसी साजिश जो बहुत चालाकी से रची और निभाई गई थी। कौन था इस साजिश के पीछे और कहां थी शगुफ्ता? इन 24 घंटों में शगुफ्ता के परिवार में बहुत कुछ बदल गया था। नाइस, ओके, वन मोर, वाओ, नाइस वन, सुपर्ब, एक्सीलेंट, होल्ड इट देयर, नाइस, गुड वन, एक्सीलेंट, ब्रेक, मेकअप और टचअप कर दो। एंड शगुफ्ता लिसन, आप चेंज कर लो। नेक्स्ट चेंज? हाँ या, विल कंटिन्यू आफ्टर दिस। कूल, या, ओके। संतोष, तुम कब आए? जब तुम अपना मेकअप ठीक करवा रही थी। स्टॉप इट, तुम फिर शुरू हो गए? जेलस हबी? यार तुम्हें कोई छूता है ना तो। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है पता है बाबा, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है ना। हाँ एनीवे ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्यों आए थे? क्यों आए थे मतलब? 10 बजे की फ्लाइट है। हाँ तो फ्लाइट रात को 10 बजे की है ना, तो अभी बस 2 ही बजे होंगे। हाँ मैंने सोचा कि इस टाइम पे हम दोनों साथ में जाके माँ बाबू जी के लिए कुछ ले लेते हैं। वैसे डोंट वरी, मैंने माँ बाबा दिवाकर और रमा के लिए शॉपिंग ऑलरेडी कर दी। कब? जब तुम अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में बिजी थे। थैंक यू। अच्छा चलो अब तुम जाओ, मुझे लीड हो। चल, सी यू सून। बाय बाय। हाँ पापा। हाँ नुसरत, तुमने फोन किया था? हाँ। हाँ तो बोलो ना। वो तू वो कैटलॉग शूट करना चाहती है क्या? वो अम्मी कह रही थी कि। अम्मी को जो कहना है कहने दे, लेकिन तू वो कैटलॉग शूट नहीं करेगी, समझी तुम? वैसे भी वो हरीश भाई एक नंबर का घटिया इंसान है, बस हाथ लगाने का मौका चाहिए। लेकिन आप। मैंने एक बार मना कर दिया ना तो बस, और अम्मी की हर बात सुनने की जरूरत नहीं है नुसरत, उनका तो काम ही यही है। तुम्हारे अभी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तुम एग्जाम्स पे ध्यान दो, पढ़ाई करो,
समझे? बाकी सब मैं संभालूंगी। थैंक यू आपा। तुझे शूट पे जाना था, गई क्यों नहीं तू? मैं पूछ रही हूँ शूट पे क्यों नहीं गई? वो शगुफ्ता आपा ने मना किया। तुम्हारी शगुफ्ता आपा को अपने अलावा किसी और की चिंता है? अम्मी, मुझे हरीश भाई के लिए मॉडलिंग नहीं करनी, गंदी नजर है उनकी, वो मुझे जानबूझ के टच करते हैं। टच करने से मैली हो जाएगी तू? लेकिन अम्मी, मुझे मॉडलिंग ही नहीं करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कुछ अच्छा करना है। तू समझती क्यों नहीं है? अगर तू काम नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा फिर? लेकिन अम्मी, शगुफ्ता आपा तो सब संभाल रही है, घर का खर्चा, मेरी पढ़ाई का खर्चा, हम अच्छे से तो रह रहे हैं। अच्छे से रहने में और आलीशान तरीके से रहने में फर्क होता है। तुझे करना क्या है? सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाने बस? नहीं अम्मी, मुझसे नहीं होगा, और शगुफ्ता आपा ने भी मना किया है, वो गुस्सा हो जाएंगे। हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बस नीचे हूँ। हाँ, ऊपर ही आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ, इकबाल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ना तेरी अम्मी फोन उठा रही है और ना ही तेरी बहन। इकबाल, तुम्हें जो भी बात करनी है ना, अम्मी से बात करो, मेरी बहन को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ तुम्हें। तू ठीक नहीं कर रही है। तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे किया? दूर हट। हाँ दिवाकर, सब पैक हो गया है, अब तो निकलेंगे बस थोड़ी देर में। हाँ हाँ भैया, आइए ना, आपके और भाभी के लिए बहुत ही बढ़िया इंतजार किए हैं हम। और जानते हैं, माँ बाबूजी बहुत ही वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, अब तो पहुंच ही रहे हैं बस। जी भैया, प्रणाम। आप लोगों के आने के नाम से बहुत खुश हैं घर में सब। अरे कौन है तुम? हेलो। हेलो मम्मी, शगुफ्ता। बेटा कुछ पता चला? पुलिस क्या कह रही है? शगुफ्ता की खोज बड़े पैमाने पर की जा रही थी, जगह जगह नाकाबंदी लगा दी गई थी, बैरिकेड लगाए जा रहे थे, सभी कार्स को बारीकी से चेक किया जा रहा था, हिस्ट्री शीटर से भी पूछताछ की जा रही थी। जी सर। कुछ पता चला? हर नाके पर हर जगह चेक किया सर, पर कुछ पता नहीं चला। वहां भी चेक किया जहां ये सब हुआ था। हिस्ट्री शीटर से कुछ मिला? सर वो लोग भी यही कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये काम किसने करवाया या किस गैंग का काम है। हो सकता है कोई नया गैंग हो। कार की क्या अपडेट है? नो सर, कार अभी तक मिली नहीं। संतोष और शगुफ्ता रात को 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर से दिवाकर की गाड़ी में वो घर की तरफ जा रहे थे, जो कि शांतिनगर में। सर एयरपोर्ट से शांतिनगर पहुंचने में दिन के ट्रैफिक में तकरीबन 45 मिनट लगते हैं, रात में तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब ये अटैक हुआ मेरे ख्याल में तब 2:30 बज रहे होंगे, और उसके बाद जैसा कि संतोष ने बताया, अटैकर्स ने दिवाकर को जख्मी करके वहीं फेंक दिया। जी हाँ सर, फिर ये लोग कार लेकर कानपुर से फतेहपुर की तरफ बढ़े, फिर मिडवे जंगल वाली रोड पर संतोष के रोने गड़गड़ाने के बाद इन्होंने संतोष और उसके बेटे कबीर को कार से उतार दिया।
उस वक्त करीब 3 बजे होंगे। फिर 5 बजे ये लोग पुलिस स्टेशन आए। 3 से 5 के बीच में ये गुंडे शगुफ्ता और कार को लेकर फतेहपुर होते हुए निकल गए होंगे, प्रयागराज, बनारस या फिर कहीं भी। एक काम करो, शगुफ्ता और कार का फोटो आसपास के शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में भिजवा दो। एयरपोर्ट के आसपास पूछताछ करो, सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है कोई बंदा इनको एयरपोर्ट के पास से ही फॉलो कर रहा हो। कार का नंबर और मॉडल आसपास के सभी गैरेज में भिजवा दो। शायद कार को बेचने की भी कोशिश हो। किसी ना किसी ने तो इनको देखा होगा। खबरी को भी काम पे लगा दो। राइट सर। पुलिस ढूंढ रही है नुसरत, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अरे काली, बिना शक्कर वाली चाय लाओ हमारे लिए। काहे हमारी टाइट खराब करने में तो लियो। जीजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग पुलिस पर प्रेशर डालिए ना, पता नहीं आप किस हाल में होंगे। हेलो, क्या किया? कुछ पता चला क्या सर? पूरा एक दिन हो गया शगुफ्ता को किडनैप हुए। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं सर? पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे शगुफ्ता के साथ। देखिए, हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें लग रहा है वो शगुफ्ता को लेकर कानपुर से निकल चुके हैं। वैसे हमने आसपास के स्टेट की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। हमें शक है कि शगुफ्ता से किसी ने ये व्यक्तिगत दुश्मनी उठाई। शगुफ्ता की आपकी किसी के साथ कोई रंजिश, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरी या शगुफ्ता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट 4 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है वहाँ पे। किस चीज़ की? सर, मेरी टाइल्स की कंपनी है सर। उसी के एड शूट के दौरान मैं शगुफ्ता से मिला था। पहले हमारे बीच में दोस्ती हुई, फिर प्यार। कुछ ही दिनों के बाद मैंने उससे शादी के लिए कहा और वो मान गई। फिर हमने शादी कर ली सर, 2 साल पहले। 2 साल पहले? जी सर। और आपका बेटा कबीर? सर, वो कबीर इनका बेटा नहीं है सर। वो शगुफ्ता भाभी और उनके पहले पति का बेटा है। एक नंबर का घटिया इंसान है सर वो। सर, इकबाल नाम है उसका। ये इकबाल ऐसा कुछ कर सकता है? वो क्यों करेगा सर? हमारी शादी के काफी साल पहले से ही शगुफ्ता और इकबाल अलग रहने लगे थे, और इकबाल बहुत अच्छे से जानता है कि कबीर शगुफ्ता से कितना प्यार करता है। सर, कबीर और शगुफ्ता में मेरी जान बसती है सर। हम तीनों की अपनी ही एक अलग दुनिया है। देख लेना बाबा, आज सबको हरा के रहूंगा। अरे हरा के तो दिखा बच्चू। यस। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे यार, ये अरे अरे उसे मारो ना। देखो उसे। अरे मैं खेल रहा हूँ ना, रुको। कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। पापा, वो लोग अम्मी को कहाँ ले गए? अम्मी कब मिलेगी? मिल जाएगी बेटा, बहुत जल्द मिल जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। एक बच्चे को उसकी माँ से कोई कैसे अलग कर सकता है? आप एक बात सच सच बताएंगे? क्या आपको पता है कि भाभी कहाँ है? अरे दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? हमें कहे तो सबको पता है कि वो कहाँ है। गुंडे उठा के लेके गए हैं ना उनको। भगवान जाने उनके साथ अब क्या हो रहा होगा।
और रेप? जी नहीं, रेप नहीं हुआ है। Are you sure, doctor? Yes, रेप नहीं हुआ है। Time of death? इसकी मौत लगभग 72 घंटे पहले हुई है। 72 घंटे पहले, यानी 18 अगस्त की रात को जब इसको अबडक्ट किया गया होगा तभी मार दिया गया हो। जी, बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो गई है। देखने में तो सिंपल लग रहा है सर, पैसे घने लूटने के बाद उन लोगों ने उसे मार दिया। उस वक्त कार में सिर्फ 4 लोग थे, दिवाकर, संतोष, शगुफ्ता और उनका बेटा कबीर। गुंडों ने सबसे पहले दिवाकर पर अटैक किया, उसे बेहोश करके वहीं फेंक दिया। फिर कार को ड्राइव करके वो जंगल की ओर ले गए और वहां पर संतोष के रोने गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने संतोष और उसके बेटे कबीर को उतार दिया। अगर उनका मकसद सिर्फ लूट था तो वो शगुफ्ता को भी वहीं उतार देते, उसे अपने साथ नहीं लेकर जाते। इससे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, रेप। हाँ, रेप। वो एक औरत को अपने साथ इसलिए लेकर गए ताकि उसका रेप कर सके, जैसा कि अक्सर क्रिमिनल माइंड होता है। लेकिन उन्होंने शगुफ्ता का रेप नहीं किया, उसके जेवर लूटे और मल्टीपल स्टेपिंग करके उसको मार दिया। हो सकता है सर वो लोग उसे भी ना मारना चाहते हो, बट शगुफ्ता ने उनका चेहरा देख लिया होगा। हो सकता है, लेकिन अब भी सवाल वहीं का वहीं है कि जब उन्हें शगुफ्ता का रेप करना ही नहीं था तो उसे अपने साथ लेकर क्यों गए? और अगर लूट करने के बाद शगुफ्ता को मारना ही था तो बाकी सबको क्यों छोड़ दिया, उन्हें क्यों नहीं मारा? त्रिवेदी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शगुफ्ता का अबडक्शन उसे मारने के लिए किया गया था। कोई तो है जो किडनैपिंग की आड़ में शगुफ्ता को मारना चाहता था। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है सर? त्रिवेदी, शगुफ्ता के घर वालों के बारे में पता करो, यहां कानपुर में भी और दिल्ली में भी। ये क्राइम जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। एक औरत इतने टाइम के बाद यहां कानपुर आती है और आते ही उसको मार दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि हमें कहानी दिखाई कुछ और जा रही है जबकि असल कहानी है कुछ और। शगुफ्ता सिंह को बहुत बेरहमी से मारा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस को शक हुआ कि शगुफ्ता को किसी गैंग ने सिर्फ लूट के इरादे से निशाना नहीं बनाया था, बल्कि सबके पीछे कोई और ही मकसद था। कोई और था जिसने पूरी प्लानिंग के साथ शगुफ्ता को मरवाया था। शगुफ्ता की मौत से किसे फायदा पहुंच सकता था? इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था? शगुफ्ता की मौत ने ये सारे सवाल खड़े कर दिए थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शगुफ्ता मर चुकी है। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी फैमिली के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक था हमारे बीच। वो हमारे घर की बहू थी, क्या बुरा हो सकता था? लेकिन आपके पड़ोसियों का तो कुछ और ही कहना है। अरे कुछ भी ठीक नहीं था सर। शादी के बाद संतोष अपनी पत्नी को लेकर आया था, लेकिन उसके बाप ने घर में पैर तक रखने नहीं दिया। पूरे खानदान के मुंह पर काली खमली है तुमने। एक तो एक बच्चे की माँ और ऊपर से उन लोगों की। अरे हमारे में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है? कान खोलकर सुन ले, इसे तो हम किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे। और अगर तूने इसे तलाक नहीं दिया ना, तो तुझसे भी सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, याद रखना। तू अपनी औलाद से कोई कब तक नाराज रहे? और शगुफ्ता बहुत अच्छी लड़की थी। तो आपने उसे माफ कर दिया था? हाँ, माफ कर दिया था। वो और कबीर हमारे परिवार का हिस्सा है और मेरा बेटा उससे इतना प्यार करता था। हाँ, मैं शगुफ्ता से बहुत प्यार करता था, करता हूँ। लेकिन हमने तो सुना है शगुफ्ता से काफी नाराजगी थी, तो उसकी आदतों से काफी प्रॉब्लम थी। आई न्यू इट सर, वो शगुफ्ता को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। वो तो हर समय ना उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता था। बहुत ही घटिया सोच वाला इंसान है ये संतोष। व्हाट इज दिस शगुफ्ता? मैंने तुमसे सुबह ही कहा है ना, मुझे तुम्हारे ऐसे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने भी तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट और प्यार दूंगी, बस तुम मेरे काम में दखल मत देना। तुमसे शादी करने से पहले भी तो मैं मॉडल ही थी ना। देखो, मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। सर, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे शगुफ्ता के कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ये झूठ होगा। मुझे प्रॉब्लम थी और उसे भी ये पता था। सर, मैंने आज तक अपने दिल की कोई भी बात उससे नहीं छुपाई थी। शगुफ्ता की मां एक छोटी बहन भी है ना, शगुफ्ता का उनके साथ कैसा रिश्ता था? सर, उसकी छोटी बहन नुसरत में शगुफ्ता की जान बसती थी और अपने मां से भी शगुफ्ता बहुत प्यार करती थी। पूरे हैं, गिन लेना।
मैं जानती हूँ मेरी बेटी को किसने मारा। इकबाल, इकबाल ने मारा है मेरी बेटी को। इकबाल ऐसा क्यों करेगा? संतोष का तो कहना है कि शगुफ्ता और इकबाल काफी पहले ही अलग हो गए थे। हाँ, अब वो अलग रहते थे, लेकिन शगुफ्ता ने संतोष से मिलने के बाद इकबाल से डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था। वो संतोष के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इकबाल उसे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो बौखलाया हुआ था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब क्या नाटक है इकबाल? हम दोनों बहुत पहले अलग हो गए थे, और मत भूलो कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे से गलती हो गई, प्लीज। मैं संतोष से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। हमारा बेटा कबीर? कबीर सिर्फ मेरा बेटा है। ये ठीक नहीं कर रही तुम, बहुत पछताओगी तुम। मैंने बहुत प्यार से पाला था सर अपनी बच्ची को। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। आपका नाम रागनी है और आपकी दोनों बेटियों का नाम शगुफ्ता और नुसरत। जी, मैं यही कानपुर के पास अमोली की रहने वाली हूँ। फोक सिंगर थी, अभी भी कभी कभी गा लेती हूँ। प्रोग्राम के दौरान शगुफ्ता के अब्बू अशफाक से मेरी मुलाकात हुई, मुझे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। सर, मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चियों को कैसे पाला है। रागनी जी, इस हिसाब से तो आपकी छोटी बेटी बहुत छोटी है। जी, नुसरत मेरे जेठ की बेटी है। जब ये 3 साल की थी तब मैंने इसे गोद लिया था। शगुफ्ता की शादी हो गई थी, मैं अकेले पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसे गोद लिया था। सर, मैंने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला है। आप उस इकबाल को पकड़िए सर। कहाँ मिलेगा ये इकबाल? तो इकबाल बहुत गुस्सा था तुझे शगुफ्ता पर? नहीं सर, मैं उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि मैं उससे प्यार करता था। लेकिन शगुफ्ता ने तुझे तलाक देकर संतोष से शादी कर ली, तो हो सकता है तेरा ये प्यार नफरत में बदल गया हो और इसीलिए शायद मरवा दिया तूने शगुफ्ता को। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि शगुफ्ता मर चुकी है। पिछले 2 महीने से उससे मिला तक नहीं मैं। लेकिन रागनी जी तो कुछ और ही कह रही है। वो औरत से मुझे फंसाना चाहती है सर। बहुत चालू औरत है, पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे पता है कि अभी ये सब क्यों बोल रही हो। क्यों? क्योंकि 7 लाख रुपए लिए हैं मुझसे उसने, और देने का नाम तक नहीं ले रही हो। लेकिन तूने उन्हें 7 लाख रुपए दिए क्यों? शगुफ्ता के नाम पर। मेरा प्रोडक्शन हाउस अगर नुकसान में नहीं होता तो ये पैसे मैं तुमसे कभी नहीं लेती। ठीक, शगुफ्ता को मना लीजिए प्लीज, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे चिंता मत करो, शगुफ्ता तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं बात करूंगी ना उससे, और संतोष के साथ शादी मैं होने नहीं दूंगी। इस बात को 2 साल हो गए सर, शगुफ्ता की शादी भी हो गई, अब वो औरत ना मेरे पैसे लौटा रही है ना मेरे फोन का जवाब दे रही है। शगुफ्ता की माँ शगुफ्ता की हत्या का इल्जाम तेरे सर पे लगा रही है, और तू यहाँ अपनी कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है। कोई कहानी नहीं सुना रहा सर, कहानी सुनाना तो उस रागनी का काम है। कुछ काम हम तो करती नहीं हूँ औरत, सिर्फ पैसे के लिए शगुफ्ता के पीछे पड़ी रहती थी। मैं बोल रहा हूँ बहुत चालू औरत है वो सर। शगुफ्ता 14 साल की थी ना, तब से उसने उसे काम पर लगा दिया था। इनफैक्ट हमारी शादी भी इस रागनी की वजह से टूटी थी, और वो दूसरी बेटी ना उसकी नुसरत, उसे भी उसने इसलिए गोद लिया था ताकि उसके पास बुढ़ापे में पैसे आते रहे। पैसों के लिए सर वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आपा, ये देखो। इसकी शक्ल। तुम दोनों क्या खिकी कर रहे हो? इस मैगजीन में बात की है मैंने, अच्छे पैसे देने मॉडलिंग के। अम्मी आप जानती है ना मैं ऐसे शूट नहीं करती। हाँ तो तुझे कौन कह रहा है, नुसरत करेगी ना? अम्मी नुसरत ये सब बिल्कुल नहीं करेगी। जब ये मॉडलिंग करना ही नहीं चाहती है तो आप इसके पीछे क्यों पड़ी है? तो अपना मुंह बंद रख, खुद तो शादी करके सेट हो गई, अब हमारे घर का क्या होगा, कैसे गुजारा होगा सोचा कभी? किस चीज की कमी है आपको? हाँ आपकी हर जरूरत तो पूरी हो रही है ना, लेकिन हाँ आपकी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर सकती क्योंकि उसका तो आंख है ही नहीं। अम्मी आपके लिए कितना भी करो कम ही है। अगर आपका बस चले ना तो अब अपनी बेटियों को धंधे पर बिठा दो। बकवास नहीं चाहिए।
चिंता मत कीजिए, आ जाएगी। सुन, दिल्ली से हरीश भाई का फोन था, पिछली बार तो एडजस्ट कर लिया था उसने, इस बार नहीं गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अम्मी, अभी अभी तो शगुफ्ता आपा का इंतकाल हुआ है और अभी आप मुझे ये सब कह रही हैं। तेरी शगुफ्ता आपा नहीं है इसलिए तो कह रही हूँ, अब घर को कौन संभालेगा, तुझे ही संभालना पड़ेगा ना। देख, तू भले ही मेरे लिए कुछ मत कर, अपने लिए भी कुछ मत कर, लेकिन वो मासूम कबीर, उसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना। टिकट्स करवा दें तुम्हारी, पैकिंग कर लो। आप नहीं आएंगी? नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम है। कबीर, थोड़ा सा खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं है, मुझे सिर्फ अम्मी जी है। पापा, अम्मी का है, मुझे सिर्फ अम्मी जी है। कबीर, तुम्हें याद है ना अम्मी क्या कहा करती थी, जो बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं अम्मी उसी से प्यार करती है, याद है ना? तुम्हें अम्मी का प्यार चाहिए तो अच्छे से खाना खाना होगा ना, अम्मी बुरा मान जाएंगी। आप भी तो खाना नहीं कर रहे, अम्मी बुरा मानेंगी ना। जी सर। कार का कुछ पता चला? नहीं सर, कानपुर के बॉर्डर के पास हर जगह पता कर लिया। और इकबाल का? जी सर, इकबाल के बारे में पता करवाया, काफी रसिक मिजाज का आदमी है, ड्रिंक्स करता है, कभी कभी औरतें भी आती है उसके पास। कभी 8 साल का था जब शगुफ्ता और इकबाल अलग हुए थे, ये कॉल रिकॉर्ड आ गया सर, ये देखे। इकबाल रागिनी और नुसरत को बार बार कॉल कर रहा था सर, और शगुफ्ता को भी। हो सकता है अपने 7 लाख रुपए वापस लेने के लिए पीछे पड़ा। सर, फैमिली के बाकी मेंबर्स तो क्लीन है, पर इस रागिनी का कुछ झोल लग रहा है। ये देखिए सर, ये रागिनी यहाँ कानपुर में किसी के रेगुलर टच में थी, किसी शैलेंद्र नाम के आदमी के, और जिस रात शगुफ्ता यहाँ कानपुर में आई थी उस रात भी इसने शैलेंद्र को 8 बार कॉल किया था। हाँ, मैंने किया था फोन, शैलेंद्र मेरा चचेरा भाई है। कमाल है, चचेरा भाई है तो आपने इतने सालों से अपने चचेरे भाई से कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ पिछले 2 महीने से ही आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है। असल में ये भी एक फोक सिंगर है, लेकिन यहाँ कानपुर में रहकर कोई क्या कमाएगा। मैंने इससे कहा था कि दिल्ली में आ जाओ, मेरे साथ काम कर लो। सर, क्या एक बहन अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हम तो गाने बजाने वाले लोग हैं साहब, लेकिन यह फिल्मी गानों के आगे अब लोग हमें पूछते ही कहाँ हैं। वो तो रागिनी दीदी ने कहा कि वो मेरे साथ एल्बम निकालेंगी, तो मैंने भी हाँ कह दिया। वैसे बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है रागिनी जी, आपकी बेटी की हत्या के 2 महीने पहले ही आप दोनों भाई बहन के बीच प्यार पनपा, कहीं इस प्यार पनपने की कोई और वजह तो नहीं है? तो आपको लगता है मैंने शगुफ्ता को मरवाया? अच्छा, वो आपने खुद अपने मुंह से कह दिया, वरना एक माँ अपनी बेटी की हत्या करवा सकती है ये सोच के भी बुरा लगता है। ऐसे जो औरत अपनी बेटी के पहले पति से अपनी बेटी के नाम पर पैसे ले सकती है और एक बच्ची को इसलिए गोद ले सकती है कि अपने स्वार्थ के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवा सके, वो औरत कुछ भी कर सकती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके कान में ये सब बातें कौन डाल रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा किया धरा उस इकबाल का है। शगुफ्ता उसे मिली नहीं तो उसने मरवा दिया उसे, और अब सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। सर, अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं मुझे। साहब, सच में हमने कुछ नहीं किया। संतोष, ये रागिनी और इकबाल का क्या चक्कर है? शगुफ्ता की हत्या का इल्जाम दोनों एक दूसरे के सर पे लगा रहे हैं। पता नहीं सर, शगुफ्ता अपनी छोटी बहन नुसरत से बहुत प्यार करती थी, अपनी माँ से कुछ खास प्यार नहीं था उसे, पर वैसा कोई झगड़ा भी नहीं था। हाँ, अक्सर नुसरत को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती थी। और इकबाल? घटिया आदमी है सर, अक्सर मारपीट किया करता था शगुफ्ता के साथ, इसलिए दोनों अलग हुए थे। लेकिन सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 2 साल बाद क्यों उसका मर्डर करवाएगा। शगुफ्ता ने तुम्हारे साथ शादी की, हो सकता है वो इस बात को लेकर गुस्से में। सर, दिल्ली पुलिस ने शगुफ्ता की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज भेजी है, 17 अगस्त की फुटेज आई है।
अग्रवाल, तूने तो हमसे कहा था कि तू शगुफ्ता से पिछले 2 महीने से नहीं मिला है। पता क्या है मैंने? शगुफ्ता की मौत से 1 दिन पहले तू शगुफ्ता के घर गया था। हाँ सर, मैं वहां पर गया था क्योंकि रागिनी न मेरा फोन उठा रही थी न मेरे पैसे लौटा रही थी, तो शगुफ्ता से यही कहने गया था मैं। अगर तू सिर्फ पैसों की बात करने गया था तो ये क्या है? क्या है ये? अब आगे बकेगा या आगे की कहानी भी दिखाऊं? शगुफ्ता, जहां पैर होता ना वहीं इतना गुस्सा होता। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, मेरे दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, न प्यार न गुस्सा न नफरत, कुछ नहीं, समझा तू? तू झूठ बोल रही है, मुझे मालूम है तू मुझे जलाने के लिए संतोष से शादी की। देख, तेरे से अलग होने के बाद तेरी वैल्यू समझाओ मैं। देख प्लीज, संतोष को छोड़ के मेरे पास आ जा प्लीज। इस गलत फहमी में मत रहना तुम। मैं संतोष से इसलिए शादी करी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, और तेरे लिए ना मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग में डाल दे, कुछ भी नहीं। सर, मैं शगुफ्ता से बहुत प्यार करता था और वहां सिर्फ मैं उसे मनाने गया था। रोजे नहीं मानी तो मरवा दिया, ये सोचकर कि अगर वो तेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं हो सकती। मैं उसे कैसे मरवा सकता हूँ? मैं उससे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, ऐसे नहीं मानेगा। द्विवेदी, एकदम ससुराल वाली खातिर करना इसे। इकबाल ने मारा है शगुफ्ता भाभी को, पुलिस ने पकड़ लिया है उसे। अब्बू, कबीर, मैं तुम्हारा पापा हूं, उस आदमी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज से मैं ही तुम्हारा पापा और तुम्हारी अम्मी भी। तो क्या तुम लोग का ड्रामा? कबीर की नानी जिंदा है अभी, कबीर मेरे साथ जाएगा, चल बेटा। अरे, आप कबीर को नहीं ले जा सकती हैं। तुम कैसे रोकोगे मुझे? क्या लगता है कबीर के? कबीर का तुम्हारा खून का रिश्ता तक नहीं है, चल बेटा। आप मुझे कबीर से अलग क्यों कर रही हैं? ये मेरी शगुफ्ता की आखिरी निशानी है। और शगुफ्ता मेरी बेटी थी, कबीर तुम्हारा सौतेला बेटा, तो कानूनी तौर पर इसकी सगी रिलेटिव सिर्फ मैं हूँ, चल बेटा। सलाम साहब। क्या रे चंदू, आजकल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तेरी तरफ से? शगुफ्ता की कार कहाँ चली गई ये भी पता नहीं कर पाया तू? साहब, मैं शगुफ्ता की कार क्या, उसका खून ही लेकर आया हूँ आपके पास। इकबाल? नहीं नहीं, इकबाल नहीं, रागिनी, शगुफ्ता की अम्मी। ये देखिए साहब, ये खास कॉपी आप ही के लिए निकलवाया है। साहब, बहुत बड़ा हाथ मारा है रागिनी ने शगुफ्ता के मरने के बाद, शायद इसलिए मारा हो शगुफ्ता को। त्रिवेदी, रागिनी को बुला। सर, ये तो फोन ही नहीं उठा रही सर। जिस होटल में रागिनी रुकी थी उस होटल से पता करो इस वक्त वो कहाँ। सर, हेलो, ये रूम नंबर 204 में रागिनी जी से बात करवाइए प्लीज। सर, वो तो चेकआउट करके चली गई। व्हाट? क्या हुआ? वो तो चेकआउट करके निकल गई सर। सर, सर, रागिनी जी कबीर को लेकर चली गई है सर, उनको रोकिए ना प्लीज, हमें FIR करना है उसके खिलाफ। त्रिवेदी, रागिनी के नंबर से पता करो कि उसने कोई कैब बुक की है क्या। हर नाके को अलर्ट करो, किसी भी हाल में औरत हमारे यहां से निकल लेनी चाहिए। नानी, प्लीज मुझे बाबा के पास ले चलो, प्लीज प्लीज। चुपचाप बैठे रहो। सर, पता चल गया, रागिनी ने स्पीड अप कैब बुक किया, एयरपोर्ट की तरफ गई है। इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पहुंचे, अरेस्ट, मूव। आपने ही शगुफ्ता की हत्या करवाई है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? शगुफ्ता की उस जमीन के लिए जिस पर आपकी बहुत दिनों से नजर थी। शगुफ्ता ने यहां कानपुर में काफी जमीन खरीद ली थी, दिल्ली में भी काफी प्रॉपर्टी बना ली थी। शगुफ्ता के विल के हिसाब से उसके मरने के बाद उसका सब कुछ उसके बेटे कबीर के नाम हो जाता और पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिल जाती। शगुफ्ता के मरते ही आपने उसकी कानपुर की सारी जमीन बेच दी। इनफैक्ट, पिछले 2 महीने से यह जमीन बेचने की आप प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए पिछले 2 महीने से आप अपने चचेरे भाई शलिन से लगातार बात कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके चचेरे भाई शलिन ने सब कुछ बता दिया है। शगुफ्ता से पैसे निकलवाना आपके लिए मुश्किल हो गया था,
क्योंकि वो आपकी फितर समझ गई थी। लेकिन शगुफ्ता की मौत के बाद आपको काफी फायदा होने वाला। एक तो आप नुसरत से बड़े आराम से काम करवा सकते थे, दूसरे शगुफ्ता की मौत के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे कबीर के नाम होने वाली थी उस पर राज कर सकते थे। इनफैक्ट आप कबीर को अपने साथ इसीलिए लेकर जा रही थी ताकि बाकी बची हुई प्रॉपर्टी को आप अपने काबू में ले सके, उस पर हक जमा सके। और फिर कौन जाने, प्रॉपर्टी के लालच में एक ना एक दिन आप कबीर को भी मरवा देते। अब सच सच बताइए रागनी जी, किससे मरवाया आपने शगुफ्ता को, किसे दी थी सुपारी? मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन इतनी बुरी नहीं कि अपनी ही बच्ची की जान ले लूँ मैं। आप जैसी औरत ना लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, इकबाल रागिनी के फोन रिकॉर्ड्स डिटेल्स सब चेक कर लिए, पर दोनों में कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। इस केस की खास कड़ी वो कार जिस कार में शगुफ्ता को ले जाया गया था, उस कार के बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला सर। लगता है इस कार को ज्यादा यूज नहीं किया जाता था, फिर मर्डर वाली रात ये कार क्यों यूज की गई होगी? कमाल है दिवाकर, उस दिन अटैकर्स ने तुम पर, तुम्हारी भाभी शगुफ्ता, तुम्हारे भाई संतोष तीनों पर अटैक किया, लेकिन उन्होंने तुमसे कुछ नहीं लिया, तुम्हारा पर्स, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं। क्यों सर, उन लोगों ने तो मुझे पहले ही बेहोश कर दिया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और जब होश आया तो मैं रोड पर था, वो तो बाद में मुझे संतोष भैया रास्ते पर मिल गए। अच्छा, ये गुंडे जो तुम्हारी कार लेकर गए वो काफी पुरानी है ना? जी सर, वो मेरे पापा की कार है, 25 साल पुरानी। पर तुम्हारे पास तो एक नई बड़ी महंगी कार भी है, उस दिन दिल्ली से तुम्हारी मॉडल भाभी आ रही थी, लेकिन उन्हें लेने के लिए तुमने अपनी नई कार नहीं निकाली, वो पुरानी कार लेकर, वो भी वो पुरानी कार जिसे स्पेशली एक ही दिन पहले तुमने ठीक करवाया था। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई, समझा पाओगे? हाँ दिवाकर भैया तो आए थे यहाँ कार ठीक करवाने। कब? 16 अगस्त को, 17 अगस्त को कार ले गए थे। और कुछ कह रहा था वो? वैसा तो कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि ये कार कितने में बिकेगी। मैंने तो कह दिया कि यहाँ कानपुर में कोई ज्यादा पैसे नहीं देंगे। दिवाकर साहब, पुलिस अपना पूरा होमवर्क करती है, ऐसी हवा में कोई बात नहीं करती। तो आप अपनी पुरानी कार इसलिए लेकर गए ताकि उसमें पुरानी यादें ताजा कर सके, या फिर इसलिए लेकर गए कि नई कार में आप लूट कैसे करवाते हैं, मर्डर कैसे करवाते हैं? क्योंकि आपको अपनी नई कार तो बहुत प्यारी है ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी क्या है, बहुत सबूत है हमारे पास। ये रहे दिवाकर साहब आपके कॉल रिकॉर्ड्स। जब हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक किए तो हमारे सामने आया कि अटैक की रात से लेकर अब तक आपको गोंडा से बहुत सारे कॉल आ रहे थे, वो भी एक लैंडलाइन नंबर से। तो हमने सोचा भाई पता किया जाए ये नंबर किसका है जो दिवाकर साहब को इतना परेशान कर रहा है, इतने कॉल कर रहे हैं। तो हमने पता किया तो हमें मालूम हुआ कि ये नंबर तो एक स्क्रैप डीलर का है। हमने उससे पूछा भाई तुम दिवाकर साहब को इतने सारे कॉल क्यों कर रहे थे? तो पता है उसने हमें क्या बताया? वो जो आपकी खानदानी कार थी जिसमें आप अपनी पुरानी यादें ताजा करने गए थे, जिसे पुलिस बेसब्री से ढूंढ रही थी, वो कार उसी ने खरीदी। अब ये बोल, ये सब तूने खुद किया या तेरा बाप भी शामिल है इसमें? क्योंकि तेरे बाप को भी शगुफ्ता पसंद नहीं थी ना। तुम पुराने ख्यालों के ही रहो, इतनी क्या सोच है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड मॉडल थी तो सब ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो वाइफ बन गई तो उसे घर की चार दीवारी में रहना चाहिए था। ऐसी घटिया मेंटेलिटी है ना तुम जैसे लोगों की संतोष। बहुत प्यार करता था मैं शगुफ्ता से, पहली नजर में ही प्यार हो गया था उससे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने बाबा के मना करने के बाद भी मैंने उससे शादी की। कान खोल कर सुन ले, इसे तो हम किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे। इतने साल मैंने अपने बाबा को मनाने की कोशिश की और आखिर में वो मान भी गए, बस वो चाहते थे कि शगुफ्ता मॉडलिंग छोड़ दे। मैंने बहुत कोशिश की शगुफ्ता को समझाने की लेकिन वो मानी नहीं। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। मैं अपने माँ बाप और शगुफ्ता के बीच के इस रंजिश से तंग आ गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने घर वालों को झूठ बोल दिया कि उसने मॉडलिंग छोड़ दी है, लेकिन शगुफ्ता मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। प्लीज संतोष, तुम्हें उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी,
मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। तुम्हें अगर अपने काम से इतना प्यार है तो नुसरत को क्यों मना करती हो? क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है, ऊपर से वो लोगों को हैंडल नहीं कर पाती। और तुम्हें पता है, मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो कोई हाथ लगा देगा? संतोष, मैं मॉडलिंग करती हूँ, पैसों के लिए लोगों के साथ सोती नहीं हूँ। मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपना करियर किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। बस बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं समझ गया था सर कि वो मानेगी नहीं। उसने इकबाल को भी इसलिए छोड़ा था, पर सर मैं कभी भी ये नहीं सह पाता कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाए। इसलिए तूने शगुफ्ता को मरवा दिया? मैं बौखला गया था सर। उसका वो काम, उसकी मॉडलिंग, उसके वो कपड़े, लोगों का उसे वैसी नजरों से देखना, उसके यूनिट के लोगों का उसको वो छूना, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। ऊपर से मैंने शगुफ्ता से शादी करके अपने घर वालों को बहुत तकलीफ दी थी। अब अगर उनके शगुफ्ता को अपनाने के बाद हमारा तलाक हो जाता तो कितना बुरा लगता उन्हें। मैं ये सब नहीं चाहता था। तो तूने दिवाकर के साथ मिलकर शगुफ्ता को मारने की प्लानिंग कर ली? जी। शगुफ्ता को लेकर इतनी ख्वाहिश थी तेरे मन में, और तू इसे प्यार कह रहा है? प्यार नहीं था ये, तुझे बस एक खूबसूरत ट्रॉफी वाइफ चाहिए थी जिसे तू दुनिया को दिखा सके। अगर तू सच में प्यार करता ना शगुफ्ता से, तो उसकी इज्जत करता, उसके काम की इज्जत करता, उसके सपनों की इज्जत करता, उसे उसकी खुशी चुनने देता, जबरदस्ती उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश नहीं करता। तुझे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं था, लेकिन तूने अपनी जिद, गुस्से और जलन की वजह से अपनी ही पत्नी को मरवा दिया। कबीर के सर से उसकी मां का साया छीन लिया। इसके लिए तुझे कभी कानून माफ नहीं करेगा, और न ही कभी कबीर। कैसा प्यार था ये? क्या ये सच में प्यार था, या ये सिर्फ संतोष की जिद थी? और ऐसा सिर्फ एक शगुफ्ता के साथ नहीं हुआ है। आज के आधुनिक युग में भी शादी के बाद लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पहचान को भूलकर अपने पति और उसके परिवार वालों की इच्छा के मुताबिक ही काम करें। एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उस लड़की के ससुराल वाले और उसका पति मिलकर तय करते हैं। पर क्या ये सही है? शादी तो पति पत्नी को एक दूसरे पर बराबर का हक देती है, तो फिर ये पक्षपात क्यों? लेकिन एक रिश्ता सच्चा तभी कहलाता है जब उस रिश्ते में बंधे हुए लोग एक दूसरे के निर्णय को सराहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े होते हैं। और शादी के रिश्ते में ये बात पति और पत्नी दोनों पर लागू होती है। जिस इंसान से कोई रिश्ता जोड़ा गया हो और उसे निभाने की चाहत भी हो, तो उसके लिए सीने में खलिश और मन में आपराधिक भावनाएं लेकर जीना कोई जीना नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।